नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपने एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया और आपके अकाउंट ओपन होने के बाद आपके पास यहां पर न्यू डेबिट कार्ड आ चुका है, न्यू डेबिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट करना है मैंने यहां पर डिटेल्स में बताने वाला हूं। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी जाके आपको पता चलेगा। उससे पहले आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास यहां पर अपने मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास यहां पर डेबिट कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ यहां पर याद होना चाहिए, उसके बाद ही जाके आप अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। मैंने पहले यहां पर एटीएम पर जाता हूं, एटीएम पर जाके डिटेल से बता देता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैंने यहां पर आ चुका हूं एक्सिस बैंक के एटीएम पर। तो हमें क्या करना है, एटीएम पर आने के बाद जो डेबिट कार्ड है हमारे यहां पर पंच करना है। उसके बाद आपको यहां पर थोड़ी देर वेट करना है, कोई आपको यहां पर जल्दीबाजी नहीं करना है। यहां पर आपको बोला जा रहा है थोड़ी देर वेट करना है, यहां पर प्रोसेसिंग में चल रहा है। उसके बाद आपको यहां पर दिखा दे रहा है सेट न्यू पिन, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पर प्लीज़ वेट बता रहा है, तो हमें क्या करना है यहां पर वेट करना है। उसके बाद आपको यहां पर बोला जा रहा है प्लीज़ एंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही वाले मोबाइल नंबर यहां पर फिल करना है, दूसरा मोबाइल नंबर यहां पर फिल नहीं करना है। उसके बाद यहां पर यस दिखाई दे रहा है, यस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर बोला जा रहा है प्लीज़ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आपको यहां पर कैसे फिल करना है, पहले यहां पर डे फिल करना है, उसके बाद आपको मंथ फिल करना है, उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ के जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बता देता हूँ, सपोज मान लीजिए आपके डे है, मतलब डेट ऑफ बर्थ के डे है 13 तारीख, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 13 फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ फिल करना है, मंथ में सपोज मान लीजिए आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के मंथ है मे मंथ, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 05 इसी तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है, साइड में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है आपके डेट ऑफ बर्थ के जो भी ईयर है, सपोज मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ के ईयर है 1992, तो आपको यहाँ पर क्या करना है 13/05/1992 इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पर यस दिखाई दे रहा है, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी मोबाइल नंबर पर आपके पास एक OTP आएगा जो कि 4 डिजिट होगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ एंटर द एक्टिवेशन पासवर्ड, तो आपको क्या करना है अपने मोबाइल नंबर पे जो भी 4 डिजिट पिन आया वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 4 डिजिट पिन यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज अपने आप ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आपको यहाँ पर पिन चूज करने का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन, तो आपको क्या करना है अपने हिसाब से आपको यहाँ पर 4 डिजिट पिन सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपने आप नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अभी जो आपने पिन सेट किया था 4 डिजिट, तो आपको क्या करना है यहाँ पर बोला जा रहा है री एंटर योर न्यू पिन, तो आपको क्या करना है यहाँ पर दोबारा वही पिन यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपके जो पेज है यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर स्लिप आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बोला जा रहा है थैंक यू, हमारे जो पिन है यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट चेक करने चाहते हो स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, अगर आपको पैसे विड्रॉल करना है एटीएम से पैसे भी विड्रॉल कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग अभी भी एक्टिवेट नहीं किया, कैसे एक्टिवेट करना है, फंड ट्रांसफर कैसे करना है, मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है बिना OTP के, सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा हूँ। अगर आप चेकआउट करने चाहते हो एक बार चेक कर सकते हो, इस वाले वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।